इस बार जो है कुर्बानी का क्या रेट रखा हुआ है आपने, पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का? ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो जिबा करवा दूसरे दिन के 15,000 12,000। कमेलदार का काम कमेले का होता है, वो खाल उतार रहा है, 4 पीस करके देता है। कसाब में और कसाई में क्या फर्क है? नाड़ी को काम नहीं आता, वो जबरदस्ती काम को कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि बकरा ईद की आमद आमद है और दूसरे शहरों से जो है नाड़ी किस्म के जो कसाई होते हैं, जिसे हम बरसाती कसाई बोलते हैं, वो निकल आते हैं और मकामी कसाईयों का भी जो है हक मारते हैं और यहाँ आकर जो है वो गोश्त का, जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उसका भी बुरा हाल कर देते हैं और लोगों को परेशान भी बहुत करते हैं। तो मेरे साथ प्रोफेशनली एक कसाई मौजूद है, उनसे जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैसल भाई, मुझे बताया कि बकरा ईद की आमद आमद है, तो आपने देखा होगा कि जो है वो आप लोग जिस तरीके से कुर्बानी के जानवर कुर्बान करने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाज जगहों पर ये देखा जाता है कि अनाड़ी कसाई जो है वो आ जाते हैं और कुर्बानियों के जानवरों को गिरा रहे होते हैं और ना उनको कोई एक्सपीरियंस होता है और ना उनको छुरी चलाने आती है या जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो चलाने आते हैं, वो गोश्त का भी जया करते हैं और गोश्त भी खराब करते हैं, खाले भी खराब करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अनाड़ी कसाई में और खिलाड़ी कसाई में क्या फर्क है? अनाड़ी को काम नहीं आता, वो जबरदस्ती काम को कर रहा है और जो खिलाड़ी है तो वो अपने काम को, हर आदमी अपने ओनर को ओनर को समझता है। अब ये हमारा काम है, हमें एक्सपीरियंस है हर चीज का और अनाड़ी को किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग 5 लाख का जानवर ला रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं दे रहे, कसाई मुआवजा मांग रहा है उसके 50,000, वो कटवा ले उनसे अनाड़ियों से 20,000 में 15,000 में, तो वो यूं गोश्त का खाना खराब होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो है वो 5-5 लाख रुपए का जानवर लेके आते हैं और 5-5 हज़ार रुपए के लिए जो है बचाने के लिए अनाड़ी कसाईयों से जानवर कटवाते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब 5 लाख का जानवर ला रहा है तो उसका जीवा करने के भी पैसे पूरे थे, हक थे, जब मेहनत करवा रहा है पूरा इतना हेवी जानवर ला के, तो उसका हेवी जानवर की पूरा बलियाना दे ना। अब आदमी कह रहा है इसके इतने पैसे होंगे, वो कह रहे हैं हमारा तो जानवर वो 5,000 में, अपन 10,000 में कट रहा है, 5-10 हज़ार में फर्क है ना। अच्छा ये जो बताएं कि जानवर की जो खाल खराब कर देते हैं, तो उससे क्या मुराद है, मतलब ये जो खाल में कट वगैरह लग जाते हैं, तो इससे उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है? बकरा ईद के खाल पे तो फर्क नहीं पड़ता, बकरा ईद के खाल तो लमसम का सौदा होता है, मगर वैसे फर्क पड़ता है उस पर, जो कट लगते हैं ना तो उस पर फर्क आता है, वो सस्ते दामों में जाती है। अब वो बकरा ईद पे गोश्त लगा देते हैं खाल में, अब उन्हें आता नहीं है, वो छुरी कहीं कहीं चलाना है कहीं चला रहे हैं, अब हर आदमी को एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं है छुरी चलाने का। अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताएं कि जो कहा जाता है, बाज जगहों पे कहा जाता है कसाई और बाज जगहों पे कहा जाता है कसाब, तो कसाब में और कसाई में क्या फर्क है? कसाई जल्लाद को किया जाता है, शेख कुरैशी, कुरैशी का अल्फाज जो है हमारा एक अल्फाज है कुरैशी। कसाई तो इंसान को काट रहा है, वो डॉक्टर को कहते हैं कसाई। अब हम जो है हमारा को लकब मिला हुआ है शेख कुरैशी, शेख कुरैशी। बिल्कुल। अच्छा और ये जो कुरैशी होते हैं, मतलब ये कुरैशी एक जात है जो कि कसाइयों का ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि कुरैशी जात के अलावा भी कोई दूसरे लोग कसाइयों का काम करते हैं? हाँ हाँ, हर काम हर आदमी करता है, पठान भी करते हैं, पंजाबी भी करते हैं, काठियावाड़ भी करते हैं, मेमन भी करते हैं, सब काम। खालिस्तन कसाई कौन होता है? खालिस कसाई तो ये जैसे शेख कुरैशी जो है, जो हिंदुस्तान से हमारे बड़े करते जा रहे हैं, उनका है ये काम, तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते जा रहे हैं। अच्छा और ये बताएं कि जो एक आम कसाई होता है, जिस तरह आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं एक आपको अरसा दराज से जानता हूँ, तो इसी तरीके से जो कमेलदार होते हैं, कमेलदार का क्या काम होता है? कमेलदार का काम कमेले का होता है, वो खाल उतार रहा है, 4 पीस करके देता है। कमेलदार का अलग एक्सपीरियंस है और दुकानदार का अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा तो मुझे बताइए कि कमेलदार का काम सिर्फ 4 पीस करना है, गोश्त बनाना उसका काम नहीं है? उसका काम गोश्त बनाना नहीं है। अच्छा ये बताइए कि, तो थोड़ा सा पर्सनल आपसे सवाल है कि इस बार जो है कुर्बानी का क्या रेट रखा हुआ है आपने, पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का? जैसा जानवर वैसे पैसे। अगर मिसाल के तौर पे 6-7 मन का जानवर है,
जानवर है तो कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए पहले दिन के, ठीक है। और अगर यही अगर छोटा जानवर है मिसाल के तौर पे 2-2.5 मन का, 2-2.5 मन का है तो उसके 20,000 रुपए, और दूसरे दिन के, दूसरे दिन के 15,000-12,000 जैसा जानवर वैसे पैसे, कोई ये नहीं है 1,85,000-70,000 जैसा जानवर होता है उस हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। हेवी जानवर है तो हेवी पैसे, नॉर्मल जानवर है तो नॉर्मल पैसे, छोटा जानवर है तो छोटे पैसे। अच्छा, आप अपनी जानिब से कोई उन अनाड़ी कसाईयों को पैगाम देना चाहेंगे जो आके लोगों का गोश्त खराब करते हैं और जो है वो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो ज़िबा करवा रहे वो सोचते तो आते ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ आप उनको पैगाम दीजिए कोई, उनका तो यही पैगाम है ना, देखो आप हमसे कटवाते हैं जानवर, हम आपका जानवर हर साल हम ज़िबा करते हैं, आप ना यहाँ सर पे बैठे होते ना कुछ होता, आप अपने दिल मुतमइन करके हर चीज कर रहे होते। एक तरफ भेड़िया तो हम जिगा करके आपका गोश्त बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से गोश्त बनता है वैसे बना के देते हैं, अब उनको हड्डी तोड़ना आती नहीं है, उनको जोड़ खोलना आता नहीं है, अब वो खाली अलग अलग सीन करते हैं, वो पाया कहीं से छुटता है तो वो छुटाते कहीं से, अब वो हर चीज की एक अपनी क्वालिटी होती है काम की। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहले तो जो है वो सबसे पहले तो नहीं सबसे आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कीमती वक्त में से जो है मुझे वक्त दिया। अब आखिरी बात मुझे मेरे व्यूअर्स, मेरे जो देखने वाले हैं उनको ये कह दीजिए कि कोई देखे ना देखे, देखेगा पाकिस्तान, देखे ना देखे, कोई ना देखेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मेरे साथ मौजूद थे फैसल भाई। फैसल भाई ने आपको जो है बताया भी और समझाया भी कि अनाड़ी कसाई में और खिलाड़ी कसाई में क्या फर्क है, तो आप भी अनाड़ी कसाईयों से बचिए और खिलाड़ी कसाईयों से काम करवाइए। खिलाड़ी कसाईयों के कुछ पैसे ज्यादा तो होते हैं लेकिन वो आपके कुर्बानी के जानवर को, खाल को, गोश्त को खराब नहीं करते। तो मेरे साथ रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है देखेगा पाकिस्तान।